शांति। आज का तारीख है 11 अगस्त 2020। साकार बाबा का मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया है, यानी स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। नई दुनिया में जाना है तो सदा खुशी में रहना है, मुरझाया हुआ नहीं। बाबा का प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? बाबा उत्तर में कहते हैं, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो, किस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। आज का गीत है दुनिया रंग बिरंग रंग रंगीली बाबा। दुनिया रंग रंगीली बाबा। ओम शांति। जब किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है, अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ न सके। बाप ने समझाया है यह खेल रंग रंगीला है। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीन सिनेरिया आदि होती है ना। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं। कोई की बुद्धि में नहीं है वह वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया है। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है, वह वंडर ऑफ वर्ल्ड बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है, जहाँ हीरे जवाहरतों के महल होते हैं। तुम एक सेकेंड में वंडरफुल बैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो, बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ है माया का राज्य, यह भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते दुनिया में, कोई भी नहीं समझते कि हम इस नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है, माया बिल्कुल ही भुला रहती है। नाक से पकड़ा यह भुलाया, अभी अभी याद में है, बहुत हर्षित रहते हैं। ओहो, हम वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भूल जाते हैं तो मुरझा जाते हैं। ऐसा मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो। जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। वो खुशी नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस, यह भी तुम जानते हो। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार है वह समझाते होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था, नई दुनिया का राजकुमार। वह सत्युग फिर कहाँ गया? सत्युग से लेकर श्री कैसे उतरे, सत्युग से कलयुग कैसे हुआ, उतरती कला कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। उस खुशी से समझाना चाहिए, श्री कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। यह सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। यह अविनाशी ज्ञान रत्न है ना,
इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप, इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। बाबा का ज्ञान बहुत ही अमूल्य है। यह ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं। सत्यों में यह होते नहीं, न वहाँ LLB न सर्जन आदि बनना होता है, वहाँ यह नॉलेज ही नहीं। वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है तभी पॉइंट्स निकलेंगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए। इससे धारणा अच्छी होगी, फिर भी लिखकर माफिक सब नहीं बोल सकेंगे, कुछ न कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगे। तो समझाना होता है कृष्ण कौन है, या तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था, भारत ही पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, अब भी सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरता देवता बनाने के लिए। यह सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। कृष्ण के चित्र में भी लिखकर बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हमें वो पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है, नंबर वार बन रही है। कंचन बनेंगी ही याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको याद करने का भी अकल नहीं है। याद की जो मेहनत करेंगे तभी वाणी जोहरदार होगी। अभी वह ताकत कहाँ है, योग है नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने की सकल भी चाहिए ना, पढ़ाई चाहिए। सिर्फ कह देने से तो नहीं होगा कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया है। बाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान पिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए। काम चिता पर बैठ नंबर वार गिनते चले आए। सृष्टि भी सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है, तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी होती है। काम चिता पर बैठ सब श्याम अर्थात काले बन गए हैं। अब मैं आया हूँ सुंदर बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हरेक के चरण से समझ जाते हैं मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो, कृष्ण को भी काला तो नारायण को भी राधे को भी काला क्यों बनाते हैं। शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं। अब हर कोई काला थोड़ी है, शिव है क्या और चीज क्या बनाते हैं। परमात्मा तो सदा पवित्रता का सागर है, लेकिन फिर भी शिवलिंग भी काला दिखाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं और ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, उन्हों को भी कहना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो
तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, पवित्र बनना है। किसको भी तुम राखी बांध सकते हो, यूरोपियन को भी बांध सकते हो, कोई भी हो उनको कहना है भगवान बाज, जरूर कोई तन से कहेंगे ना। कहते हैं मामे को याद करो, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते हैं तो बाप समझ जाते हैं, इनकी तकदीर में नहीं है। यह तो समझते होंगे सिर्फ बाबा पढ़ाते हैं, रथ बिगड़ तो पढ़ा न सके, इशारा देना ही बस है। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है, बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो या उच्च पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना, इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं, बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकरण तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे, यह हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती है, मैगजीन में कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते हैं वो लिखवाते हैं, नहीं, बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो मधुबन में। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहां ही बैठ उनसे पढ़े, नहीं, यहाँ आने की सबको कोशिश होती है। मधुबन तो बाबा का घर है, आकर्षण होता है। ऐसा नहीं किसी भाई बहन के तन में परमात्मा आते हैं तो वहां बैठकर पढ़े। दूर रहने वालों को और ही जास्ती कोशिश होती है, तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत अच्छी सी सर्विस कर सकते हैं। कृष्ण का जन्म कब हुआ यह भी किसको पता नहीं है, तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल है नहीं। श्रीमद पर न चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सृष्टि रहेगी, समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, इसको रास्ता नहीं बताया तो वह अंधे रहे, यह समझने की बात है ना। बैग में भी कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया है, बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं। तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे और कब्रिस्तानी बने हैं, फिर ज्ञान गीता पर बैठ देवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हैं। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए। उनको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं तो फिर हम पढ़ते भी हैं। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा, यहाँ में स्कूल है ना मधुबन में, और किसी का बाहरी संग नहीं है। क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स, तमो प्रधान पति है। देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कितनी उनकी महिमा करते हैं। सत्युग में सभी के देवी कैरेक्टर थे, अभी आसुरी कैरेक्टर है। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाए। मुख छोटा बात बड़ी, यह कृष्ण के लिए कहते हैं। अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो इतना बड़ा बनने के लिए। तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो, यह बाप का पैगाम तो सबको देना है। यह लड़ाई स्वर का द्वार खोलती है, और पति से पावन बनना है, बाप को याद करना है, देवधारी को याद नहीं करना है। एक ही बाप सर्व की सदगति करते हैं, यह ही आयरन एजेड वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है, स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ में कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, बहुत सर्विस है। माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं, चित्र भी सब उठाओ, कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला, फिर बैठ समझाओ। देवताओं को काला क्यों किया है, श्याम सुंदर, सीना द्वारा जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है, तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए।
अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझा कर कहो कि तुम भी अभी राखी बांध, काम चिता से उतर, ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे। आत्मा कैसे पतित बनी है, फिर कैसे पावन बनेंगे, ये राज समझाना है। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है, सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं, हम समझाए। इसमें कोई नाराज नहीं होगा, सर्विस तो बहुत सहज है। बात तो समझाते रहते हैं, बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम वाला करो। तुम जानते हो अभी हम पूछे थे उस ब्राह्मण कुल के हैं, कि राखी बंधन का और कोई को भी तुम समझा सकते हो, वैश्याओं को भी समझा कर राखी बांध सकते हो, चित्र भी साथ में हो। बाप कहते हैं मामे को याद करो, या फरमान माने मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा, कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सदगति कर नहीं सकते सिवाय एक के। पर राखी बंधन का दिन न हो, कभी भी राखी बांध सकते हो, यह तो और समझना है। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है, तुम्हारा धंधा ही है, बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं मामे को याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। तो राखी बांधने का अर्थ है पवित्रता के व्रत को धारण करना, बाप से प्रतिज्ञा करना, जो कभी भी कर सकते हैं। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो, हम राखी बांधने के लिए आए हैं, यह बात तुमको भी समझने का हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप पड़ जाएंगे, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना, गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है, तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। ऐसे सुनाओ तो झोटा कर चरणों पर पड़ेंगे। तो आज बाबा सर्विस की युक्तियां बता रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधिक बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रोहानी बच्चों का भी रोहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए जैसा पहला पॉइंट है, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। दूसरा है, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अकल सीखना है। वरदान हुआ का पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तक नसीब होगा। संगम युग की श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तक, ऐसा तक सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का, स्टेट के राज्य का तक तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तक नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तक है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तक नसीब रह सकते हो, बाप के दिल तक में बैठकर रह सकते हैं। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तक नसीब रहते हैं, वो इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। स्लोगन है, हर के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। जैसे परछाई को पकड़ नहीं सकते, इस तरह अगर नाम मान शान के पीछे दौड़ेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं इन सब से परे रहो, नाम मान शान की इच्छा नहीं रखो। अच्छा, ओम शांति। आज का सम्मान है, मैं दिलाराम की दिल रुबा हूँ। सारा दिन बाबा की दिल में बैठना है, दिलाराम की दिल रुबा बनकर चिंतन करना है। मैं दिलाराम की दिल रुबा संसार के सामने सच्चे प्रेम का आदर्श उदाहरण हूँ, तो मेरे अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। सदा एक बल एक भरोसा है, मन की आंखें किसी देवधारी की तरफ आकर्षित तो नहीं होती,
योग अभ्यास में चिंतन करना है, मैं आत्मा देह की दुनिया से परे परम धाम में शिव बाबा के सम्मुख हूँ, तिलाराम शिव बाबा के सम्मुख हूँ, बाबा के सानिध्य में मुझ दिलरुबा को सच्चा सुकून मिल रहा है, उनके प्रेम की एक एक किरण स्वाति नक्षत्र की बूंद की तरह मुझ में समाती जा रही है, मेरे दिल में एक ही स्वर गूंज रहा है, मैं बाबा की बाबा मेरा, मैं दिलाराम की सच्ची दिल रुबा हूँ, मेरे सच्चे प्रेम के वाइब्रेशन से विश्व की हर आत्मा परमात्मा प्रेम का यथार्थ महत्व समझ पा रही है और उस सच्चे प्रेम की तरफ आकर्षित हो रही है। ओम शांति। हरा दिन।